तो गाइस देख सकते हैं आज हमारे पास है सुरुषी ब्रांड का आइकॉन मिक्सर, एंड इसमें हम जो है बड़े जार में हम जो है जो कोकोनट्स होते हैं उसको पीस पीस करके हमने कट कर लिया है। इसका हम जो है ग्राइंड करके जो है बता रहे हैं, यानी कि इसका पेस्ट करके बताएंगे, जो कि देख सकते हैं हमने चॉपिंग बोर्ड की मदद से जो है जार में ले लिया है। अब इसको लिड को क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले इसमें पानी ऐड नहीं करना है, जस्ट जो है विप में आपको जो है पल्स में रन करना है। जैसे कि देख सकते हैं मैंने 4 to 5 times रन किया है, और आपको पता था जो भी पीस पीस होता है वो कट हो चुके होते हैं। तो उसके बाद में लिड को ओपन करते इसमें आप जो है पानी ऐड करना है। अगर कोई भी मिक्सर में हम कोकोनट पीसते हैं तो देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से जो है ये कट हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। पानी ऐड करने के बाद हम इसको जो है आवश्यकता अनुसार ही पानी, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, एंड जो भी ऊपर ब्लेड के ऊपर आया वो हम जो है क्लीन कर देंगे ऊपर की तरफ, एंड लिड को करते हैं लॉक एंड अप करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमारे को कंटिन्यू 1 to 3 में स्पीड में मिल जाएंगे। सबसे पहले लिफ्ट करना है, उसके बाद में 1 धीरे से 2, उसके बाद में ऐसे स्पीड करेंगे तो परफेक्ट तरीके से टेस्ट होता है। तो चलिए ग्राइंड करते हुए वीडियो देखिए। इस मदद से मिक्सी को ऑफ करके चेक कर लेते हैं एक बार कि पेस्ट कैसा बना है। तो देख सकते हैं मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, जस्ट 30 seconds में चेक किया वापस, तो जो भी ऊपर आ जाता है क्योंकि हमने क्वांटिटी कम डाली है तो हमारे को 2 बार ग्राइंड एक बार और ग्राइंड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमने जो है जार को निकाल दिया है मिक्सी को ऑफ करके, एंड देख सकते हैं हमारा पेस्ट एकदम जो है रेडी हो चुका है, जो कि चटनी का पेस्ट, जो कि हम कोकोनट को ग्राइंड करके पेस्ट बनाया है चटनी का, जो कि आप देख सकते हैं एकदम प्यूरी टाइप बन चुका है। तो काफ़ी कमाल का ये मिक्सर ग्राइंडर ग्राइंड करके देता है। अगर इस मिक्सी को परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख सकते हैं काफ़ी शानदार मिक्सर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।